खंडवा में हो रहे लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ठाकुर राजनारायण सिंह के समर्थन में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खंडवा के मुंदी में सभा को संबोधित करने पहुंचे और भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी जमकर हमला बोला। कांग्रेस के नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज केंद्र के मोदी और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार पर हमला बोला। केंद्र सरकार को घमंड और अहंकार की सरकार बताया, साथ ही शिवराज सिंह पर बोले कि अपने आप को किसानों का मुख्यमंत्री बताते हैं और किसानों पर ही गोलियां चलाते। वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 70 साल में देश में हर टीका मुफ्त लगा, किसी पीएम ने नहीं कहा कि मुफ्त दे रहे, लेकिन मोदी जी कोरोना टीके की वाहवाही लूट रहे। केंद्र की 7 साल से अधिक समय वाली मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, इन 7.5 सालों में कृषि के 3 काले कानून बनाए, बड़ी बड़ी कंपनियों का निजीकरण किया। वहीं सचिन पायलट ने भाजपा को राम के नाम पर वोट बटोरने वाली पार्टी बताया, कहा कि भगवान किसी पार्टी के नहीं सबके साथ थे। मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि 7.5 साल में पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाद महंगा, किसानों की आयु दुगनी करने वाले केंद्र सरकार ने लागत दुगनी कर दी। सचिन पायलट ने कहा कि उपचुनाव से सत्ता परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन सरकारों के कामों को लेखा जोखा मतों के जरिए दिखाई देता है। पायलट ने सच्चाई और विकास के नाम पर अपने प्रत्याशी राजनारायण सिंह को जिताने की अपील की। महंगाई हो गई है जो लगातार सरकार ने किसानों की अनदेखी करी है, कृषि के 3 काले कानून बनाए हैं, उनको वापस ना लेना जिद और अहंकार का परिचय है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने बीड़ा उठाया है कि जनता की आवाज़ हम लेकर आगे बढ़ेंगे। अपार महंगाई हो गई है, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया है, 900 का पार हो गया है गैस का सिलेंडर, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। एक बार भी केंद्र की सरकार ने नहीं कहा कि महंगाई का हम कम करेंगे। रोजगार खत्म हो गए, उद्योग बंद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और 7.5 साल से सरकार केंद्र की है, इसलिए उनको संदेश देने के लिए जनता मन बना चुकी है कि भारी बहुमत से उपचुनाव में प्रदेश में और पूरे देश में जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। खंडवा से राम पवार नायक की रिपोर्ट।